अब इन लोग को लग रहा है सामने वाले बंदों को कि ये सेफ है भाई, मैं दूर हूं तो मैं स्प्रे नहीं दे पाऊंगा। तो भाई लोग कैसे यार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, गेम प्ले वीडियो में। और सबसे पहले तो इस वीडियो में हेडफोन्स रिकमेंडेड है, क्योंकि अपने दोनों दोस्त भाई, दोनों टीममेट घर में अकेले हैं, मैं नहीं जानता हूं, पर भैया तुम समझ जाओ फुल गाली गलौच होने वाला है, तो इसलिए पहले ही बता दिया। बाकी इस मैच में यार कुछ बंदे मेरे को लेंगे हल्के में, उन्हें लगा यार ये दूर है इसे इग्नोर मारो, पर मैं जो उनके पीछे तक स्प्रे डालूंगा ना पूरी टीम खत्म हो जाएगी। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। और मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ भाई, बंदे आ क्यों नहीं पा रहा है मेरे पे, किल मेरे को ये बता दो कितनी गोली मारूं क्या करूं, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ भाई, हर बार एक ही कैच भी बच जा रहे बंदे, नोक वाले का भी यही हाल है, मैं तो क्या बताऊं। अभी कोई नीचे बैठा है और ये लोग कोई मेरे पे नियड करना चालू कर दिया। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक और किल मेरे को यहाँ पे मिलती है, एक किल अपने हर्ष भैया ने पेल दी, अपने नंबर दो भाई को पूरा सुला दिया गया है। मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये पूरी स्क्वाड होती है ना भाई, इनकी इतनी खुजली रहती है, पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है इनके पीछे तक भाई, पूरी पेटी पैक करते हैं ये लोग। तो अभी यहाँ पे बड़ी बुरी तरीके से मैं सांप बनाता है, एकदम नागिन की तरह लेटा हुआ होता हूँ बिल्कुल मस्त एकदम, क्योंकि सामने बंदा है। अब ये जाएगा क्योंकि इसकी आ गई थी भाई नेड़, इतना मुंह पे फेंकता हूँ सीधे खत्म होता है, इसका टीममेट आ रहा है बिल्कुल सामने की तरफ से, डैमेज देने की कोशिश की और ये लोग किसी ने मेरे को नचनिया बना दिया। अब नहीं लग रहा है ये हरकत करके मेरे को पेल देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं पीछे आता हूँ और देखो अब मुझे बताओ ये बंदा यहाँ पे कब आया, लिटरली दो बंदे नॉक थे और इन गधों ने रिवाइव भी दे दिया भाई, अपने अर्जु भैया जैसे तैसे संभालते हैं, पर तीसरा आता है और ये सुअर ने मेरी ही पेड़ डाली, मैं क्या बताऊं, मेरे पे कुछ किल नहीं आया भाई, सिर्फ दिमाग खराब हुआ गाइस, मैं क्या बताऊं, इतने सारे बंदे नॉक किए किसी का कुछ किल नहीं आया, सब किल चुर गए। अब रास्ते में एक नॉक का मेरे को फिनिश आ जाता है जो मैंने ऊपर ही किया था, करना क्या है, अब हम लोग आते हैं इधर पोचिंग वाले रिकॉल की साइड, यहाँ पे बंदे होते हैं, एक का साउंड आ रहा था बट देखो एक को नॉक करता हूँ अपने एक टीममेट नॉक है कोई ना, लेकिन उतने में यहाँ पे दो तीन बंदे और आ गए गड्डी भर के। और तुम लोग स्पीड देख रहे हो भाई की कितनी ज्यादा तेजी में भाई स्क्वाड वाइप कर दी, तीन किल मिलते क्योंकि एक किल अपने टीममेट ने चुरा लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मौज आ गई फुल, बट तुम्हें लग रहा हो सारे बंदे मर गए, नहीं भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक और बंदा बैठा है पता नहीं कहाँ से आया, मैं ना जानता हूँ ये कहाँ से आता है जरा से, लेकिन जो भी हो मेरे को किल से मतलब अपना तो फायदा हो गया ना, अपनों को किल मिल गया भाई बढ़िया, और यहाँ पे ये इमोट होंक दिया, ये तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, कितनी बार यार हर वीडियो में इजी, और ये भी मेरे टीममेट ने खराब कर दिया, ना जाने क्यों मुट्ठी मार दी मेरे मुंह पे कुछ समझे दया। तो अभी ना भाई थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैं गाड़ी का पीछा कर रहा था जो कि सामने बंदे रुके हैं इधर घरों की तरफ, करने का ये किसी बोर्ड को नॉक करता है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बोर्ड का किल और बंदे के भी फाड़ दी मैंने डैमेज देके, मैं समझ गया भैया इन लोग की फट गई है, हमें रश करना पड़ेगा। और अपने हरीश भाई पता नहीं क्यों ऑफलाइन है, मैं नहीं जानता हूँ ऑनलाइन आ रहे हैं ऑफलाइन जा रहे हैं पता नहीं क्या है, एक को नॉक करता उसका टीममेट भाई वही है सामने पेड़ के पीछे, उसने मेरे टीममेट को पहले ही बेल दिया, बहुत बढ़िया भाई, नेड करना कहाँ सीखा रहे हमको भी तो सिखाओ कभी, चल बेटा रश कर दे S12 के पड़िया, थोड़ा डराता हूँ उसे, थोड़ा डैमेज खा लिया और लो खत्म भाई खत्म, यार देखो थोड़ा डैमेज खाना पड़ता वरना बंदे को लगा ये हैकर है यार, ये S12 के चला रहा है तो ये इमबॉट यूज करके यार ये तो मर ही नहीं रहा, तो इसलिए ना थोड़ा डैमेज खाना पड़ता है, ठीक है बकवास कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, पेल दिया जैसे तैसे। तो अभी के लिए आप अपने हरीश भैया फिर ऑफलाइन है, मैं नहीं समझ पाता हूँ भाई ये किस चीज की गलती है, क्या हरकतें चलती है अपने टीममेट लोग की, अरे भैया
कॉल आ गई तो फोन ही पूरा हैंग मार गया। अब करना क्या है यहाँ पे, वही सीन होने वाला है। इसके बारे में शुरू में तुम्हें बताया था, हम लोग आते हैं पोचिंग की में, ठीक है, सामने होते हैं हमने चर्च की तरफ, उन्हें पता चल गया होगा हम लोग हैं, हम लोग ने फायरिंग वगैरह भी की थी घुसते हुए। अब मैं आता हूँ ऊपर, पर ये इग्नोर मार रहे हैं मेरे को। और मेरे भाई थोड़ी इज्जत इधर भी कर लो, ये हलवे में थोड़ियाँ ले रखा है आईपैड, जायरोस्कोप से खेल रहा हूँ, ये मजे स्टॉप भी है, फिर ये तो हल्के में ले रहा है बिल्कुल, एक स्प्रे इसके जड़ता हूँ अच्छी तरीके से। आप बोलती बंद हो गई होगी इसकी, जाता हूँ देखने है कौन। तो गाइस दो अंधों का तो यहाँ पे खात्मा हो चुका है, इनका तीसरा टीममेट बैठा है इसके ऊपर, ठीक है, चर्च के। इसे लग रहा है ये भी सेफ है, एक बार इसे थोड़ा मैंने डरा दिया, ठीक है, एसपिल के चला के फाड़ दिया। आप भैया पूरी फट रखी है, ये देख लो ये है। अरे भैया गांव में गाइस बिल्कुल इज्जत गई, खत्म हो चुकी है, बंदे देख के भी इग्नोर मारे, लेट गया है, फायरिंग नहीं देगा ना भैया, हम तो इग्नोर मारेंगे। लो जी ये रहा चौथा बंदा। और गाइस मेरे को बताओ ये गिली सूट का भंडारा चल रहा है कहीं, तो मैं भी ले लूं यार, मैं भी जरा मतलब भंडारा खाने में काफी ज्यादा संतुष्ट होता हूं। यार जिसको देख रहा हूं, अरे सब पे गिली सूट पड़ा है, कहां से आ रहे हैं ये लोग, और पूरे चार मैंने मार दिए, टीम वर्ल्ड न्यू, यानी कि मेरे को लग रहा है पक्का ऊपर वाले बंदे हैं। awesome. अभी ऐसे छोटे मोटे गिल तो मैं करते रहता हूँ, कोई बड़ी बात ना यार, ये इस पे भी गिल्ली छूटता, मैं तो क्या बताऊँ, कोई लैंड होता तो ना, लेकिन अपने हरीश भैया बिल्कुल गर्म है, पीटी डाल दी उसकी। अरे भैया छोड़ देते, मुट्ठी मारनी पड़ी, मैं तो क्या बताऊँ, उतने भी गई पता लगता है, कुछ बंदे बैठे पड़े रिकॉल पे। तो हाँ मैं कह रहा था ये गिल्ली सूट वाले पक्का बता रहा हूँ, ये पूरी टीम थी ऊपर वाली, पक्का ऊपर सर्वाइव किए होंगे, इनको सेकेंड रिकॉल मिला होगा, लेकिन अभी मैं रश कर देता हूँ सामने। तो अभी ये करना चाहता हम लोग रश करते हैं, और पता लगता है कोई बंदा सामने इन वाले पत्थरों के पीछे, मैं आग डाल देता हूँ, मैंने गुस्से में डाली आग, और नचाने के लिए डांसिंग ग्रेनेड भी डाल दिया, लेकिन ये भाग रहा है पता नहीं क्यों, पिट पिट कर रहा है। और भैया मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये भाग क्यों रहा है, मेरे को ये बता, तुझे इतना सारा मैंने नाचने के लिए इधर सामान डाला, अरे नाच के दिखा दे यार, लॉबी भेज रहा हूँ, मुक्त हो जाएगा, नया मैच स्टार्ट कर लो, क्या जूझना यार, अच्छे से खेलो ना मैच, मैं इन्हें मुक्ति देता हूँ, ये लोग चाहते नहीं है मुक्ति मिले, पता नहीं क्या बंदे हैं यार। अब गाइस इन मैचों में तो भाई यही चलता है, अब से ये मोड आया ना पोचिंग की रिकॉल और पोचिंग की इवेंट, बस यही बंदे मिलते हैं। यहाँ पे जाती है गड्डी, और इसे लग रहा है भगा के बच जाएगा। और मुझे बताओ तुम्हें लग रहा था इस स्प्रे में पकड़ा जाएगा मेरे को, यार देखो तुम्हें लगे ना लगे मेरे को फुल भरोसा है अपने ऊपर, पेल के रख दिया, मैंने कहा कब तक बचेगा, एक यार पेलना ऐसे कि रास्ते में पता नहीं कहाँ से डैमेज खा के आया था, करने गया था। अभी देखो यहाँ पे बंदे खत्म नहीं हुए, सामने कम से कम तीन या चार बंदे बैठे पड़े हैं, देखो अब मर रहा है यार, मरेगा। एक को यहाँ पे पेलता हूँ, अब देखो इसके टीममेट के अंदर इतनी चौड़ा है, ठीक है कूद के गया, कोई नहीं मेरी आंखों सामने से। अब ये पता नहीं गोले किस पे चला रहा है, अरे बेटा रिवाइव दे ले, तू वैसे भी फटने वाला है। अब यहाँ पे इसे पढ़ता हूँ, और हाँ अभी तुम्हें मैं पहले ही बता दूँ, जो भी लोग कमजोर दिल के भाई पहले ही वीडियो छोड़ दो, क्योंकि ऐसी चीज दिखाऊंगा ना भैया कलेजा बाहर आ जाएगा, तुम खुद देखो, मेरे को कुछ उम्मीद नहीं थी यहाँ पे कोई हो भी सकता है, देखो ये मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर मेरा टीममेट सही टाइम पे फायर नहीं देता भैया ये लॉबी भेजता मुझे, ये नहीं छोड़ता, मैच यहीं खत्म हो जाता, अभी 20 किल पे मैच हो जाता रद्द। भाई साहब मैं नहीं समझ पाता हूँ क्या सोच के इतना ये घटिया कैंपिंग करते हैं भाई, बिल्कुल कुत्तों की तरह कर रहे हैं। अभी करना क्या, एक और बंदा बचा है सामने घर में, और गाइस फाइनली ये वाली टीम भी पूरी खत्म कर दी यार, बैक टू बैक तुम्हें ग्लिचेस देखने को मिल रहे होंगे। अभी करने का था ये टीम तो मैं निपटा देता हूँ, अब बचे थे कुछ लास्ट के बंदे भाई, यही पांच छह बंदे बचे थे, करने का था तुम्हें लेफ्ट में ना नीचे कुछ काला मोटा सा दिख गया होगा, वो बंदा बैठा है, तो मैं यहाँ पे रोकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वेयर हाउस में कैंपर बैठे हैं, तो पहले इसे पेलता हूँ। अब इसे ना फिनिश दे दिया, अब देखो सीन कुछ ऐसा था, जब मैं यहाँ पे आ रहा था उड़ के मैं समझ गया, देखो कोई बंदा पहाड़ी पे था, ये लोग उन्हें भी मार रहे थे, तो मैंने कहा इधर कूदना सही होगा,
डांसिंग रेड लेके कूदता हूँ, पर यार किस्मत खराब है, तुम खुद देख लो। अब मेरे पे ज्यादा कुछ है नहीं, अपने दो टीममेट लड़ाई लड़ाई में पीछे ही रह गए भाई, वो साथ ही में नहीं है। अब आ रहे हैं ऑर्डर देने। और मुझे बताओ अब कुछ फायदा है भाई आने का, आप तो पीटी बन गई ना, अब कुछ फायदा निकलेगा। खाता मेरा ही, लेकिन आई होप तुम्हें मजा आएगा।